हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाना आलू की टिक्की। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी साबूदाना लिया है। इसे हम एक बड़े बर्तन में लेंगे और इसे दो तीन बार धो देंगे। तो ये मैंने साबूदाने को अच्छे से धो दिया है। अब हम इसमें साबूदाना डूब जाए उतना पानी डालेंगे और दो घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। दो घंटा हो गया है और हमारे साबूदाना अच्छे से भीग गए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसे बड़े बर्तन में लेंगे। ये मैंने तीन बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, इसे हम मैश करेंगे। तो ये मैंने मैश कर दिया है। अब हम इसमें दलदली पीसी हुई मूंगफली का पाउडर डालेंगे। मूंगफली को मैंने भून कर छिलके निकाल कर दलदला पीस लिया था। तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच सेंधिया नमक, एक चम्मच जीरा और हरा धनिया, इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, हमारी टिक्की अच्छे से बन रही है। तो अब हम इसकी टिक्की बना देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से टिक्की बनानी है हमें। इसी तरह से मैंने सारी टिक्कियों को बना दिया है। अब हम इन्हें तलेंगे। तलने के लिए मैंने तेल को पहले से ही गर्म रख दिया है। तेल गर्म हो गया है तो अब हम एक टिक्की को डालेंगे। इसे पलटेंगे, इसी तरह से पलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गई है। इसका कलर अच्छा ब्राउन आ गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को तल देंगे। तो ये हमारी टिक्की बनकर के तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।